चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खेतों भी यार घूम रहे, किसान रात को जग गए, दिन में काम करे, सारे बैग बेच लिए, रेल बेच ली, अस्पताल बेच लिए, लाल किला बेच लिया, यू विकास करा। सबसे बड़ा डर ये है कि पिछले 5 साल में इन्होंने 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए, मतलब 25 पैसे प्रति किलो, और अगर ये गलती से दोबारा सरकार आ गई तो अगले 5 साल तक फिर नहीं बढ़ेंगे। लाल किला बेच दिया, रेल का टिकट देख लो, बस का किराया बताओ कितना हो गया, आप बताओ, हमें जवाब दो कितना हो गया दिल्ली से सहारनपुर का। तो इन्होंने कोई युवाओं को कोई भर्ती नहीं दी, बिल्कुल निकम्मी गिरी हुई सरकार है ये, अब की बार यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगी। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के कस्बा एल्लम में हैं, किसानों के बीच में है, तो उनकी राय जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। क्या लग रहा है यूपी में चुनाव आ रहा है? जिस तरह से किसानों के खाते 5 किलो काट के फिर रेट बढ़ा दिया, आज फिर ब्लैकबाजी कर दी, आप 50 रुपये 35-40 रुपये से ले गए डीजल बढ़ा के और 5 रुपये और फिर 5 यहाँ बढ़ा दिए, और हर तरह से जैसे ये हमारे किसान बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, तीनों कानून किसानों के विरुद्ध हैं। इसमें एक भंडारण का भी आपको आकलन हो भी गया, हमारी सरसों जब खेत से बिकी वो 4500-4600 रुपये बिकी, उसके बाद जब उनके गोडाउन में चली गई उसके 15-20 दिन बाद ही उसका रेट 8 और 8500 का हो गया। सरकार कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं। विकास को वोट मांगोगे? ये तो हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे, विकास तो नहीं कहते, विकास को वोट मांग रहे, विकास को वोट मांगोगे बताओगे? अगर विकास को वोट मांगोगे तो जनता ना जवाब दे के विकास करा, विकास कराया, खेतों भी यार घूम रहे, किसान रात को जग गए, दिन में काम करे, सारे बैग बेच लिए, रेल बेच ली, अस्पताल बेच लिए, लाल किला बेच लिया, यू विकास करा। 2014 में जाट बीजेपी में चला गया था, तो इस बार कितना, मतलब 2019-21 में कितना जाट वापस आया है? 100% जाट इनका लोकदल के साथ है। पहले झगड़े में लोग चले गए थे, हिंदू मुस्लिम हो गया था, जो बीजेपी की देन है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराया है, और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह झूठा, इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ, सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ इतिहास में। ये आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर इस बार? ये चुनाव की तो स्थिति क्लियर होती जा रही, किसान को जो है सरकार ने बर्बाद कर दिया, युवा हमारा जो है वो बेरोजगार हो गया। विकास की बात करते हैं, कोई कहीं कोई स्कूल कॉलेज कोई बिजली घर कोई, मतलब जो है एक भी अगर हमें तो कहीं जचा नहीं कहीं विकास पैदा हुआ हो। ये बकवास करें, झूठ बोल रहे हैं। आज भी जो है हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री आ रहा था कैराना में, झूठ बोल रहा, वोट मांगनी चाह विकास के नाम पे, और वोट मांग रहे वहाँ जो है प्रचार कर रहे जातिवाद का, और जो है 2013 के दंगे की याद दिला रहे, मतलब सरकार को तो यहाँ से बंगाल की तरज पे जो है खदेड़ा होगा, बंगाल में तो वो खेला हुआ, यहाँ खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश में। लोगों का कहना है कि सरकार ने धारा 370 हटा दिया है, राम मंदिर बना दिया है। मंदिर में कौन पूजन जाएगा भाई? राम मंदिर कहीं पूजेगा भाई? मैंने देता हूं खेतों में मैं तो ऐसे एक तो कर लंदा बात है यार, बीच में बोलना पड़ गया। बताओ राम मंदिर है, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से क्या हो रहा भाई? हमें तो अपना काम करना, खेतों में काम करना, हम राम मंदिर में अकेले जाने? राम मंदिर तो विवाद का कारण था, केवल यू विवाद कराओ और राम मंदिर के नाम पे वोट ले, हिंदू मुस्लिम चुनाव कराओ, राम मंदिर का मकसद है यू। ना लखीमपुर खीरी में हुई थी, आपको पता होगा इस बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लखीमपुर खीरी के बारे में हम कहना चाह, आशीष मिश्रा हैं मंत्री थे, उसके लड़के ने खुद बताना सा है, सरकार है पता था तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो भाई गाड़ी ले और किसान खड़े चले गए ऊपर चढ़ते हुए, क्या हुआ यार कुछ बजेट भेज दिया, आज तक मंत्री है सरकार में, क्या कर रही है सरकार बताओ, क्या कर रही, आदमी मर गए अपना, कोई वो नहीं
डेढ़ बेटे थोड़े दिन में सोचेंगे भूल भाल जाएंगे, इस सरकार का यू दे है। 10 महीने हो गए बॉर्डर पे, क्या सोचा सरकार ने, क्या सोचा सरकार ने किसान के लिए? हमें तो कानून चाहते नहीं है, हमारा तो बढ़िया काम चल रहा था पहले, जरूरी है यू ही काम। अरे नल हम तो नहीं लेते कानून, देख क्या नहीं लाल किला बेच दिया, रेल का टिकट देख लो, बस का किराया बताओ कितना हो गया, आप बताओ हमें जवाब दो कितना हो गया दिल्ली से सहारनपुर का। जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, सरकार उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बता रही है। सरकार जो है आंदोलन की तो कुचलना चाह रही, कुचलना नहीं जानता हूँ या सरकार ही कुचली जाएगी। जो है तीनों के हो जो मंत्री वो तली पार बदमाश है, गुंडा है, पहले तो मुकदमे है मर्डर के, बलात्कार के, उनका गोद में ले राम शाह जो है तली पार बदमाश अमित शाह है, इनसे यू सरकार जो है धरना इन तक लेंगा, यू धरना ही नहीं चलागा 2022 में भी चलेगा 24 में चलेगा। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई हुई है, उससे कितना फायदा किसान को हो रहा है? इस बात का सभी पता है कितना फायदा हो रहा, जब इस किसान ने कह के वोट ली थी किसान की, सब जनता की, कि किसान की आय दोगुनी कर देना, आप हमें जवाब दो आज किसान की आय दोगुनी है क्या? आज किसान की आय चार गुनी कम है आज किसान की आय, आज किसान कैसे वोट दे देगा? किसान उसे वोट देगा जो किसान के हित में सोचेगा और किसान के हित में केवल सोचती है राष्ट्रीय लोकदल। एक जुमला छोड़ दिया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, दुगनी कोई हुई नहीं, कहना उससे लागत बढ़ गई आमदनी नहीं हुई, और सबसे बड़ा डर यह है कि पिछले 5 साल में इन्होंने 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए, मतलब 25 पैसे प्रति किलो, और अगर ये गलती से दोबारा सरकार आ गई तो अगले 5 साल तक फिर नहीं बढ़ेंगे। खाद पे कितना बढ़ा, पेट्रोल पे कितना बढ़ा, डीजल पे कितना बढ़ा, बताओ। आए तो सरकार की, तो किसान की दो गुनी होगी, बताओ तो कहाँ हुई है दो गुनी, चार गुना कम हुई है। और हर हर किसान का जो किसान फसल बीज सब चीज लेता है, खाद तेल, उस पे जो है बढ़ने की वो घटने की बजाय और किसान को 8 गुना देना पड़ रहा। अब आए तो 4 गुनी कम हुई और किसान पे से 8 गुना ज्यादा लिया जा रहा। आप ये देखिए हरियाणा में 35 रुपये पर हॉर्स पावर बिजली है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ 175 रुपये पर हॉर्स पावर है, हमारे गन्ने वहाँ पे 362 रुपये रेट है और हमारी रिकवरी 13% है, उनकी रिकवरी 11% है, हमारे गन्ने की 11% रिकवरी उनकी और हमारी 13, वहाँ भी सरकार बीजेपी की, यहाँ भी सरकार बीजेपी की, ये दोहरा मापदंड क्यों? हमारा धान वहाँ पे बॉर्डर पे रोका जा रहा है, हरियाणा नहीं जाने दे रहा, तो इस वजह से ये सरकार जो जाएगी, वैसे तो जब मानने वाली ये है नहीं, 2022 में ये वोट की चोट इतनी जबरदस्त देंगे कि इनका यहाँ से सूपड़ा साफ होना तय है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कितना उस पर सरकार खरा उतर पाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को 2 भर्ती की वो दी, जबकि उन्होंने 1 करोड़ की वो बताई थी कि 1 करोड़ भर्ती होगी। एक 2016 की मैं UPSI की भर्ती निकली थी, उसमें ट्रेनिंग करवा के वे फिर वापस भेज दिए, अब वे फिर ऐसे के ऐसे कॉन्स्टेबल, जो कॉन्स्टेबल थे वो कॉन्स्टेबल हो गए, जो हमारी तरह थे वे बाहर बैठे। उस भर्ती का हुआ, भर्ती पूरी नहीं हुई और नई भर्ती का पेपर करा दिया विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए कि हमने UPSI की भर्ती निकाल दी, उसका हाल ही में पेपर करवाने की बात करें, जबकि भर्ती वो भी पूरी नहीं होने की, ये वो पहले वाली क्लियर नहीं हुई, और 26,000 की एक वैकेंसी का और झूठा वादा कर दिया कि ये होगी, उसका अब तक का कोई पता नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा या कब वो भर्ती होगी। तो इन्होंने युवाओं को कोई भर्ती नहीं दी, बिल्कुल निकम्मी गिरी हुई सरकार है ये, अब की बार यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगी। जो लड़का 18 साल का हुआ, 3 साल बाद ये भर्ती निकाल रहे, 21 साल में उसकी एज निकल जा, वो फिर बेचारा क्या करे, आर्मी के मतलब का वो रहा नहीं, और बाकी सब ये प्राइवेट कर ही रहे, रेलवे प्राइवेट कर दी। अगर लड़का ग्रुप डी की इसकी भर्ती मार लेता, अब वो उस मतलब का भी नहीं रहा, वो प्राइवेट होगी। हलवाई पड़े का काम करेंगे भाई हम, अच्छा और तो कुछ काम रहे ही नहीं, जय बनाया करेंगे मोदी की डॉ। चुनाव आते आते शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे दब जाते हैं और
हिंदू मुस्लिम के मुद्दे खड़ा था, क्या इस बार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे वोट हो गया फिर हिंदू मुस्लिम पर वोट हो गया? वोट तो जी हमेशा तो ये हिंदू मुस्लिम पे ही लेते आ रहे हैं, शिक्षा विक्षा का तो कुछ ही नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य ये तो आपने कोरोना में देख लिया कितनी हालत खराब है हमारी, ये तो सारे तो झूठे वादे कर रहे हैं और वोट ले रहे हैं सांप्रदायिक मामले में दंगे भड़का के इन पर ही वोट ले रहे हैं, वोट इन यही इनका वोट बैंक है बस, दंगे भड़काओ और वोट लो। शिक्षा की हालत तो बहुत खराब है, कोई एक वो हो तो बता मैं इनका तो, महंगाई शिक्षा पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पर जी 1000 रुपये के अलावा गैस सिलेंडर लग लिया। हम अभी शामली विधानसभा सीट के कस्बा एल्लम में थे, यहाँ हमने किसानों से बात की। किसानों का कहना है कि जो हाल फिलहाल में अभी बीजेपी सरकार है इन्होंने किसानों और मजदूरों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया है, तो इस बार हम सरकार बदलना चाहते हैं और जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो जुड़े रहे चलचित्र अभियान के साथ, उत्तर प्रदेश 2022 की चुनाव की खबरें आप तक आती रहिए। धन्यवाद। हाँ।